चलिए, बहुत दिन से आप लोग इंतजार कर रहे थे कि खाली शॉर्ट वीडियो देखने को मिलता है, लॉन्ग वीडियो भी आएगा या नहीं आएगा, तो अब ये इंतजार का जो घड़ी है समाप्त हो चुका है और आज से आप सबके पास जो है लॉन्ग वीडियो भी पहुंचेगा, ठीक है। और वैसे भी दोस्त जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं इस चैनल को, उनके पास इस वीडियो का लिंक भेजे ताकि वे लोग सब्सक्राइब कर ले। और सबसे खास बात अब क्या होगा, तो आपको तो वीडियो प्रोवाइड होगा ही, मिलेगा ही, इसके साथ पीडीएफ भी मिलेगा, जो हम पढ़ाएंगे उसका पीडीएफ भी आपको मिलेगा। अब पीडीएफ आपको कैसे और कहां मिलेगा, इसके साथ आप हमारे वीडियो को देखें, आपको बताया जाएगा कि पीडीएफ कैसे आप डाउनलोड करेंगे। और एकदम बेसिक से हम पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। सबसे पहले आप समझो कि हम पढ़ाना क्या चाहते हैं आपको, तो हम आपको पढ़ाना चाहते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को हिंदी में क्या बोलते हैं, रसायन शास्त्र, यह तो सबको मालूम होगा, है ना। अब देखिए, केमिस्ट्री शब्द का उत्पत्ति जो है किस शब्द से हुआ है, तो इस बात को पहले जान लेते हैं। केमिस्ट्री शब्द का जो उत्पत्ति है किमिया शब्द से हुआ, किमिया शब्द से हुआ। किमिया का अर्थ होता है काली मृदा, काली मृदा या काला रंग, काला रंग। तो पहले बात इसको समझ लें कि आपसे कोई कह दे कि केमिस्ट्री का उत्पत्ति किस शब्द से हुआ, तो आप बोल सकते हैं कि किमिया शब्द से हुआ। किमिया का अर्थ क्या है, काली मृदा है या काला रंग है, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी काले रंग के वस्तु को देखें तो कहे कि यह किमिया है, ऐसा ना समझना है। ये भाषा जो है यूनानी भाषा था, यूनानी भाषा से केमिस्ट्री शब्द का उत्पत्ति हुआ है। किमिया का अर्थ क्या होता है, काली मृदा या काला रंग। अब बात क्या है कि केमिस्ट्री का जनक किसको कहते हैं, है ना, जनक यानी इसका फादर कौन है, केमिस्ट्री का पिता कौन है, ये भी हम लोग को जानना है। तो यहां देखिए, केमिस्ट्री का जो पिता है एंटोनी, एंटोनी लेवोजियर को माना जाता है, एंटोनी लेवोजियर को माना जाता है, है ना, एंटोनी लेवोजियर को माना जाता है। आप ऐसा नियम सुने होंगे ना, केमिस्ट्री तो पढ़े होंगे आप लोग, तो उसमें सुने होंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है, तो आंसर देते होंगे कि पदार्थ के अंशवर्ता नियम का पालन करने हैं। तो यानी आप यहां देखो H2 प्लस O2 है, इक्वेशन ऐसा करके H2 प्लस O2 बन गया H2O। अब इसमें परमाणुओं की संख्या को बराबर क्यों किया जाता है, तो आंसर आप देते हैं ना कि पदार्थ के अंशवर्ता नियम के पालन करने के लिए। तो यह अंशवर्ता जो है, अंशवर्ता का नियम दिया किसने, तो यह एंटोनी लेवोजियर ने दिया। ऐसा ना है कि यही एक नियम भी है, बहुत सारा बात इन्होंने बताया है ना, जो जल है उसमें ऑक्सीजन उपस्थित है, सल्फर का खोज, इसे अनेक जो है खोज इनका प्रयोग केमिस्ट्री में शामिल है, तो इसलिए इनको जनक माना गया, ठीक है। और तो देखिए, भारतीय जनक कौन सा है, आपसे यह भी प्रश्न किया जा सकता है कि भारतीय जनक कौन सा है, केमिस्ट्री का भारतीय जनक कौन सा है, तो इसका नाम आता है आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय, है ना, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय, यह भारतीय रसायन शास्त्र का जनक है, ठीक है, भारतीय जनक रसायन शास्त्र का कौन है, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय। इनके बारे में क्या कहना, ये तो नाइट्राइड का बेताज बादशाह है ना, मास्टर ऑफ नाइट्राइड, नाइट्राइड के बारे में बहुत ज्यादा योगदान देने वाला व्यक्ति है आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय। पेशे से शिक्षक होने के साथ यह अनेक प्रकार के शोध भी किए, ठीक है। तो केमिस्ट्री शब्द का उत्पत्ति किमिया से, जिसका अर्थ काली मृदा होता है, इसका जनक एंटोनी लेवोजियर है और भारतीय जनक आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय है। इतना जानकारी रखने के बाद अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, अब जानेंगे कि केमिस्ट्री जो है किसे कहेंगे, रसायन शास्त्र आप कहेंगे किसे, यह किसका शाखा है ना, तो आप इसको समझना है आपको। देखिए, यह भौतिक विज्ञान का शाखा है, हमेशा ध्यान में रखिएगा कि यह शाखा किसका है, भौतिक विज्ञान का, है ना। रसायन शास्त्र किसका शाखा है,
भौतिक विज्ञान का। इसमें अध्ययन किसका होता है, इस शाखा में अध्ययन किसका होता है, तो पदार्थों के आंतरिक एवं बाहरी गुणों का, पदार्थ के अंदर का जो गुण है या जो बाहर का गुण है इसका अध्ययन करना होगा। तो हम किस में करेंगे, रसायन शास्त्र में करेंगे। रसायन शास्त्र शाखा किसका है, तो भौतिक विज्ञान का है कि नहीं। अब इसके बाद यह शब्द आ जाता है कि पदार्थ, है ना। पहले तो हम समझ लिए कि रसायन शास्त्र क्या है, तो बोल देंगे कि भौतिक विज्ञान का वह शाखा जिसमें पदार्थों के आंतरिक एवं बाहरी गुणों का अध्ययन किया जाता है रसायन शास्त्र कहलाता है। लेकिन इसमें शब्द का आ गया पदार्थ। क्या है पदार्थ, व्हाट इज सब्सटेंस, सोचने वाली बात। चलिए यहां देखते हैं। तो पदार्थ दुनिया के वे वस्तुएं हैं जिसमें द्रव्यमान हो, स्थान घेरे और अवरोध उत्पन्न करे। अवरोध का मतलब होता है रुकावट, अवरोध का मतलब क्या है, रुकावट। ये तीन गुण होना चाहिए दुनिया के किसी भी वस्तु में। यदि यह तीन गुण हैं तो वह पदार्थ है। अब भाई साहब ये बताइए कि दुनिया का कौन सा ऐसा वस्तु है जिसमें यह तीन गुण नहीं है। जितना वस्तु है ना सब में ये तीन गुण है, द्रव्यमान है, स्थान घिरता है, अवरोध यानी रुकावट उत्पन्न करता है। और यह तीन गुण होने के कारण दुनिया का प्रत्येक वस्तु पदार्थ है। जितना वस्तु है सब पदार्थ है। आप उदाहरण देख लो ना, ईंट पत्थर, है ना, ईंट पत्थर अनेकों है। मोम तो देखिए ना, मोमबत्ती, उसमें के बीचे वाला जो धागा है वह बत्ती है, धागे को खींचोगे क्या बचेगा, मोम, है ना। इसके बाद जल, तेल, वायु यानी का हवा, है ना। कोई भी पदार्थ, दुनिया का कोई भी वस्तु, सब क्या है, पदार्थ है। सब वस्तु क्या है, पदार्थ है। इसमें से जितना लिखे है ना सब पदार्थ है। अब इसका वर्गीकरण किया गया। अब इतना सारा पदार्थ है, सबको पदार्थ मान लिया गया। अब उसका वर्गीकरण करने की आवश्यकता पड़ा कि इसको कैसे बांटा जाए, अलग अलग कैसे किया जाए, कैसे इसको आसानी से समझ पाए हम। तो इसके लिए वैज्ञानिकों ने दो तरह का वर्गीकरण किया, पदार्थों का वर्गीकरण जो है दो तरह से किया। कौन कौन सा है, एक भौतिक वर्गीकरण, एक रासायनिक वर्गीकरण, ठीक है। एक भौतिक वर्गीकरण है, भौतिक वर्गीकरण, और एक कौन सा है, रासायनिक वर्गीकरण, है ना। दो तरह का वर्गीकरण किया गया, भौतिक भी किया गया, रासायनिक भी किया गया। अभी हम लोग समझे थे ना कि पदार्थ क्या है, क्या बताए थे, फिर से एक बार याद दिलाते हैं आपको कि दुनिया के वे वस्तुएं जिसमें द्रव्यमान हो, स्थान घेरे, अवरोध उत्पन्न करे, पदार्थ कहलाता है। इसका वर्गीकरण दो तरह का है, भौतिक वर्गीकरण, रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण में इसको पांच भागों में बांटा गया। क्या कह दिए भाई साहब, पांच भाग, बिल्कुल सही सुने। अभी तक कुछ लोग जो है ठोस, द्रव, गैस ही जानते थे, ठोस, द्रव, गैस ही जानते थे, यानी तीन भाग ही जानते थे। आप तो पांच भाग बोल दिए, ये किससे बोल दिए, बिल्कुल सही बोले हैं। ठोस, द्रव, गैस के बाद भी है बीईसी, और कौन सा है, प्लाज्मा। इसी को अवस्था भी बोलते हैं। पदार्थ की कितने अवस्था, पांच अवस्था। आपको इस पांचों के बारे में बारी बारी से बताया जाएगा। इना की ठोस, द्रव, गैस तो जानते थे सर, बीईसी प्लाज्मा तो हमने कभी देखा नहीं, सुना नहीं। बहुत ऐसे बच्चा है ना जिसको इस बात का जानकारी भी है। आप नहीं जानते हैं कोई बात नहीं, आप भी जानो कि इसके कितने भाग हैं, पांच भाग है। किस आधार पर, भौतिक वर्गीकरण के आधार पर, और रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर इसके तीन भाग है। इसके तीन भाग है, कौन कौन सा है, तत्व, यौगिक, मिश्रण। तत्व, यौगिक, मिश्रण,
अब कुछ ऐसा सोच रहा होगा ना कि सर क्या आप तो बताते जा रहे हैं, लिखवा भी नहीं रहे। आप ना घबराओ ना, हम बोले ना कि पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे, पीडीएफ। आप इस चीजों को देखें, ध्यान से देखें कि किसके बाद है का, इस चीजों को समझे, आपको पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगा, लिखने का कोई टेंशन ना, समझे। तो भौतिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ को 5 भागों में रखा गया है, ठोस, द्रव, गैस, बीईसी, प्लाज्मा। बीईसी पूरा नाम इसका होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, सबके बारे में आपको बताया जाएगा। रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर 3 भाग, तत्व, यौगिक, मिश्रण। लेकिन बात क्या है कि सबको एक बार में हम पढ़ा सकते हैं क्या? है संभव? संभव तो है नहीं, तो बारी बारी से पढ़ेंगे ना। सबसे पहले जानेंगे किसके बारे में, ठोस के बारे में, फिर इसके बाद किसके बारे में, द्रव के बारे में। बारी बारी से पढ़ेंगे तो चीजें क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। ठोस क्या होता है, आप सुनते आ रहे होंगे कि जिसका आकृति, आयतन दोनों निश्चित हो। ये दोनों निश्चित होना चाहिए, दोनों यदि निश्चित है ना तो वह ठोस है। और हम कहते हैं ना कि जिसका आकृति निश्चित है, जिसका आकृति निश्चित है वह ठोस है ही। दुनिया में जितना वस्तु है ना, एक ठोस ही ऐसा है जिसका आकृति बना सकते हैं, बाकी किसी का आकृति नहीं बनता। एकदम सिंपल, जिसका आकृति हम बना सकते हैं वही ठोस है। आपसे कह दे कि भाई साहब ईंट का है, अब आप इमेजिंग करो ईंट का फिगर बनेगा या नहीं बनेगा, बन गया तो ठोस हो गया। मोम क्या है, तो मोम का फिगर का इमेजिंग करो बनेगा कि नहीं बनेगा, मोम तो बन गया, लो ये जला भी दिया, मोमबत्ती ही बना दी, बन गया ठोस हो गया, आकृति बन गया ठोस हो गया। लोटा क्या है, लोटा, हाँ वही लोटा जो आप देखते हो, ठोस है, आकृति बन गया ठोस है। हम दुनिया में जिस वस्तु का आकृति बना देंगे ना वही हो जाएगा ठोस, जिसका आकृति बन जाए। आप और भी उदाहरण लेकर के देखो, देखो जिसका आकृति बन जाए वह ठोस होगा। आकृति नहीं बनेगा ना तो उसके लिए अब 4 कंडीशन है, लेकिन हम क्या बोले हैं कि बारी बारी से समझना। तो ठोस पदार्थ की वह अवस्था है जिसका आकृति, आयतन दोनों निश्चित होता है, दोनों निश्चित होता है। अब इसके बाद आपको ठोस के विशेषता के बारे में बताया जाएगा, लेकिन एक ही वीडियो में इस सारी चीजों को समझा पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, है ना। वीडियो लंबा हो जाएगा तो और भी परेशानी होने लगेगा, जिसे बहुत इस अभी बच्चे हैं जो कि अभी नहीं जुड़ पाए हैं, तो उन बच्चों को आप जुड़ने का प्रयास करें ताकि विधिवत रूप से उनको यह सब जानकारी जो है प्राप्त हो जाए। एकदम बेसिक से आपको लेकर के चल रहे हैं, कहीं भी आपको डाउट होगा ना कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट मारिए, उस कमेंट को खुद हम पढ़ते हैं, हम देखते हैं, उसका सोल्यूशन अगले वीडियो में आपको तुरंत मिलेगा, कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब क्लास स्टार्ट हो चुका है, अब कुछ सोचने की बात नहीं है। अभी तक तो शॉर्ट वीडियो से बस इतना ही काम चलाया जा रहा था, अब कंटिन्यू रेगुलर आपके पास जो है लॉन्ग वीडियो। इस वीडियो का पीडीएफ ना आपको कहां मिलेगा अभी बता रहे हैं, मत घबराइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एक लिंक है पीडीएफ लिख करके दिया गया है, उस लिंक को क्लिक कीजिए, पीडीएफ आपके पास आएगा, आप डाउनलोड कीजिए और उसको आसानी से लिखिए। और इस वीडियो को इतना ना ज्यादा शेयर कीजिए कि सभी बच्चे जो है इस बातों को जानकारी रख पाए, आगे के जानकारी को प्राप्त कर पाए। और आप हमारा सपोर्ट करेंगे ना तो आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपको इससे भी बेहतरीन बेहतरीन टॉपिक समझाने का प्रयास करूंगा, आप बिल्कुल आसान भाषा में। ठीक है, थैंक यू।